अभी मैं महाराष्ट्र के कुछ पर्यटन और धार्मिक स्थल के भ्रमण पे निकला हूँ और इस श्रृंखला की शुरुआत पुणे के गणपति मंदिर से करता हूँ। Good morning, friends. We are in the way of Bhimashankar. Bhimashankar. A beautiful morning. Very nice, beautiful. Beautiful, na? Sunrise. Tukaram ji with me. He is a guide and driver. Today. Hello, not driver. No driver. Of course, driver friend first. Today is you are my friend. Okay. Okay. Yeah. Yeah. अब सिटी से काफी दूर बढ़ चुके हैं और नजारे मस्त होने लगे हैं। और भी नजारे हैं देखने लायक, बहुत ही मजेदार हो जाएगा। अभी यह शुरुआत हुआ। अभी तक सिटी चल रहे थे। अगर आप चाहें तो पुणे से भीमाशंकर बस में भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको शिवाजी नगर बस स्टैंड में आना पड़ेगा और यहाँ पर सुबह 5:30 बजे से शाम के 4 बजे तक बस छूटती है। हर आधा आधा घंटा में बस है और बस में जाने से करीब समय लगेगा 4.5 से 5 घंटा। और देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और इस नज़ारे का मज़ा लेने के लिए मैं गाड़ी को सिलेक्ट किया, देखते सुनते रुकते मैं जाऊंगा और इसीलिए मैंने ऐसा किया। और आपसे भी एडवाइस है, अगर पॉसिबल हो तो गाड़ी में ही जाए। पुणे से भीमाशंकर की दूरी करीब 125 किलोमीटर के आसपास है और अगर मुंबई से आएंगे तो 230 किलोमीटर है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं लौटते समय भीम डैम जाऊंगा और हनुमान लेक को दूर से देखने का चेष्टा करूंगा। तो अंत तक मेरे इस वीडियो को देखिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। बर्मन ट्रैवल डायरी में आपका स्वागत है। ये भीमाशंकर के टूर पे है जो कि पुणे से करीब 125 किलोमीटर की दूरी है। सवेरे करीब 6 बजे निकले हैं, अभी यहाँ नाश्ता के लिए रुके हुए हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और पूरा सफ़र का मज़ा लीजिएगा। तो तुकारजम जी क्या चल रहा है अभी? क्या चैटिंग चैटिंग चल रहा है? व्हाट्सएप चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग फ्रेंड्स के साथ। ये जौ की खेती है हो रही है यहाँ पर। महाराष्ट्र में जौ की खेती और गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है। रास्ते में एक मंदिर में रुके। भीमाशंकर का मंदिर एक जंगल के बीच में है जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है और कोई कोई इंटरेस्टेड आदमी काफी यहाँ पर जंगल में भी घूमने जा सकते हैं। उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, कुछ रिसोर्ट्स हैं इधर उधर लेकिन मंदिर के पास खूब ज़्यादा रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है और रास्ते में काफ़ी रिसोर्ट्स हैं, तो रह के घूम सकते हैं। जल्दी में था इसलिए इस डैम को अभी शूट नहीं किया, लौटते समय पूरा शूट करूँगा। तो लास्ट तक देखिएगा। इस टूर के फोटोग्राफ्स को मैं फेसबुक में लोड करूंगा और इसका लिंक नीचे दूंगा, अगर चाहे तो देख सकते हैं।
बस 15-20 मिनट आने में बाकी है, पूरा जंगल एरिया शुरू हो गया। पूरा फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन दोपहर का समय अभी 10 बजने वाला है। भीमाशंकर मंदिर के सामने आ गए और यहाँ से 150 सीढ़ी चूड़ी होती है, तो सीढ़ी में उतरना चालू कर दिए। भीमाशंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो कि महाराष्ट्र के पुणे से 125 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए ये सफाई का काम चल रहा है, इसीलिए से पूरा साफ सुथरा है। अब पूजा के क्षेत्र के जैसा जो पूजा के सामान, खिलौने, पूजा सामग्री ये सारे बिक रहे हैं। देखिए पेड़े का दुकान है और बच्चों के खेलना, ये खाने का, थोड़ा नाश्ता का। तो हम मंदिर कंपाउंड में पहुंच गए और देखिए ये बाएं तरफ लाइन लगे हुए हैं और बीच में जूते अवतार रखने के स्थान है और सामने में दाहिने तरफ में मंदिर दिख रहा है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और डिफरेंट फेज में बनाया गया है, प्राचीन और मॉडर्न दोनों का समन्वय है इस मंदिर में। पत्थरों का काम है, देखिए और ये जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही अच्छा है, पूरा मन को शांत कर रहा है। इसका जो बैग में मंत्र का उच्चारण चल रहा है यहाँ पर और मंत्र ध्वनि आत्मा को बहुत ही तृप्त कर रही थी। तो कुछ दिन पहले शिवरात्रि हुआ तो उसके सामियाना अभी पड़ा हुआ, इसलिए पूरी तरह से मंदिर को नहीं दिखा पाया और ये मंदिर के जो अंदर है वहाँ पहुँच गए। बस अब गर्भगृह में जाना अलाउड नहीं है तो वहाँ नहीं जाऊँगा और ट्राई करूँगा कि गर्भगृह के मंदिर को यहीं से दिखाऊँगा। तो गर्भगृह के जहाँ घुसने की जगह है, ये घुस रहे हैं सब, ऊपर में देखिए एक शीशा लगा हुआ है और शीशे से दर्शन हो जाएगा आपका भीमाशंकर जी का। ये देखिए दाहिने तरफ में ऊपर जो दिख रहा है वो शीशा का प्रतिबिंब है, नीचे के जो भीमाशंकर जी का दर्शन, ओम नमः शिवाय, देखिए दर्शन हो रही है। इसके अलावा क्लोज सर्किट टीवी से देखिए ऊपर जो चल रहा है इसमें भीमाशंकर जी का कंटिन्यूस दर्शन हो रहा है। और ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के बाहर पे बैठने की जगह है, तो अगर ध्यान करना यहाँ बैठ के ध्यान कर सकते हैं और सामने आपका परमानेंट दर्शन होता रहता है इस मॉनिटर में। यहाँ तक थोड़ा बहुत फोटो उठाना अलाउड है। ये मंदिर से बाहर निकल गया हूँ और इस मंदिर के कंपाउंड में ही काफ़ी दूसरे दूसरे मूर्ति लगी हुई है। देखिए ये नंदी की मूर्ति है और सामने एक शिव जी का और एक मूर्ति है, तो यहाँ भी कोई पूजा कर रहा है। देखिए यहाँ के दर्शन के बाद
अविश्वास किए मन बहुत ही शांत हो जाता है और जैसे लगता है कि सारी इच्छाएं की पूर्ति हो गई है। और इस तरह से यहाँ से निकल गया। और जैसे परम शांति की प्राप्ति हो गई है मुझे। थोड़ा आगे जाने पे देखा यहाँ कुछ मंदिर्स भी दिख गए जो अपने जैसे अपना काम करते हैं लोग। थोड़ा भी खाना वाना लेके चले जाना, छीन लेना, ये सब थोड़ा भी नहीं, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा भी नहीं। और धीरे धीरे मैं अब चढ़ना चालू कर दिया हूँ। और जैसे बताया था खाने पीने और थोड़ा भी स्टॉल्स हैं नाश्ते वगैरह के। जब मैं आया था तब तो इतना भीड़ नहीं थी। देखिए पूरा स्कूल का एक बैच आया हुआ भीमाशंकर जी के दर्शन करने के लिए। जैसा मैं प्रॉमिस किया था कि लौटते समय थोड़े थोड़े घूमते हुए उतरूंगा। और इसी श्रृंखला में देखिए ये डैम है, डिम्बा डैम है, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए और विभिन्न जगह पे रुकते रुकते मैं जा रहा हूँ और थोड़ा और नीचे उतर गया हूँ। देखिए और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, पूरा एरिया का। देखिए पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ और डैम। तो इसीलिए मैं बस में नहीं आया था, इसी का मजा लेने के लिए। और बीच में हनुमान लेप भी है यहाँ पर। मैं इस पूरे लेक के पास पहुंच गया हूँ जहाँ डैम है। तो देखिए झरना बह रहा है राइट साइड पे। और ये नदी है, भीमा नदी है, जो भीमा नदी आगे जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत है ये। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे ख्याल से 3 ज्योतिर्लिंग पर्वतों में है। एक तो आपका केदारनाथ सबसे ऊपर में है, विराजमान है, वो मेरे दर्शन नहीं हुए। उसके अलावा सारे दर्शन कर लिए। श्री शैलम जो हैदराबाद से जाना पड़ता, वो भी ऐसे ही पहाड़ी एरिया है, डैम एरिया है। तो कभी मौका मिले तो वहाँ भी जाइएगा, हैदराबाद से, लेकिन थोड़ा दूर है वहाँ पर, 7-8 घंटा लगता है। यहाँ तो नज़दीक है पूना से। तो जब भी मौका मिले बॉम्बे या पूना से यहाँ ज़रूर आइएगा और ये नज़ारे का मज़ा लेते हुए। देखिए बुलबुल बोल रही है। तो ये भीमाशंकर का सफ़र तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। और अंत में जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे और महाराष्ट्र में ही अभी फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और इसको जल्दी आपको जानने के लिए बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा जिससे जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके।